भाजपाइयों शर्म करो, मासूम हिरणों पर रहम करो। हिरण बिश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर भगवान का प्रिय है। बिश्नोई समाज हिरण को पवित्र मानता है। बिश्नोई समाज की माता बहनें हिरण को अपनी छाती का दूध पिलाती हैं, अपनी सगी औलाद की तरह उनकी देखभाल करती हैं। मगर बेरहम नरेंद्र मोदी अपने शौक पूरे करने के लिए निरह हिरणों को बेमौत मारने पर तुला हुआ है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए 8 चीतों की भूख मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी ने राजगढ़ से 181 चीतल भेजे हैं। 1500 और प्यारे हिरणों की जान जोखिम में डालने की तैयारी की जा रही है। हमारे देश में हिरण वन्य जीव अधिनियम के तहत एक संरक्षित वन्य जीव भी है। संरक्षित वन्य जीव को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलना कानूनन अपराध ही है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राजा का दायित्व सिर्फ मनुष्य के प्रति नहीं बल्कि जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के प्रति भी होता है। हत्या करना और हत्या करवाना दोनों ही पाप है। मगर वर्तमान तानाशाही राजा की सनक है कि निरह हिरण चीता का भोजन बने। जंगल में कोई अपने आप शिकार करे तो अलग बात है, परंतु आप सोचिए चंद विदेशी चीतों के लिए हमारे देश के मासूम निर्जीव चीतलों को बाड़े में बंद करके मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। क्या यह प्राकृतिक न्याय है? जिस पार्टी के लोग कल तक गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते थे, आज वो गौ माता को लंपी वायरस जैसी प्राकृतिक आपदा में छोड़कर चीतों के लिए मासूम निरीह प्राणियों की बलि दे रहे हैं।